पटना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर नया ग्रेडिंग बहुत बड़े यहाँ पर आ गई है। बात करें यूनिवर्सिटी को भी यहाँ पर बदला दोस्तों, पैमाना बदल रहा है। यहाँ पर कॉलेज और विश्वविद्यालयों को अब मिलेगा लेवल ऑफ एक्सीलेंस। आखिर ये क्या है दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर। अब खत्म हो रहा है आपका नैक के दौर जो मिलता था पहले A+++ B++ C++ ग्रेड। आइए जानते हैं पूरी जानकारी उस शिक्षण संस्थानों को कि ग्रेडिंग यहाँ पर खत्म हो गई है। सारी बात करेंगे जितने भी है आपने देख पाता है वो पाटलिपुत्र पटना का बात करें। जैसा कि बात के पाठ्य से पटना में यहाँ पे एक पर्व चल रहा है फिलहाल। यहाँ पे नैक की टीम आएगी 19-20 अप्रैल को, फिर दोस्तों यहाँ पर देगी। तो यहाँ पे दोस्तों नैक का अपग्रेडिंग अब मिलेगा पाठ्य से पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स को। इसी तरह बात करें बहुत सारे उच्च शिक्षण संस्थान है जिनका ग्रेडिंग खत्म हो रहा था। ग्रेडिंग खत्म होने के बाद क्या होगा वो ध्यान दीजिए। देश के उच्च शिक्षा संस्थानों को नैक की ओर से मिलेगा ग्रेडिंग सिस्टम खत्म हो रहा है। ध्यान से समझिए ग्रेडिंग सिस्टम, इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह बाइनरी सिस्टम लागू होगा। इनमें दो किस्म के संस्थान में होंगे, मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त। यह व्यवस्था इसी साल दिसंबर से लागू हो सकता है, अभी नहीं दिसंबर से होगा। नई व्यवस्था में मान्यता प्राप्त संस्थानों को लेवल ऑफ एक्सीलेंस मिलेगा। अगर लेवल ऑफ एक्सीलेंस क्या है, उन्हें परिपक्वता देख पर मैच्योरिटी के आधार पर 1, 2, 3, 4, 5 तक लेवल दिए जाएंगे। 1 बहुत अच्छा हुआ, 2 से थोड़ा से 3, 4, 5 इस तरह। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कैपेसिटी मैच्योरिटी मॉडल के लेवल की तरह समझ सकते हैं। उसी तरह एजुकेशन सेक्टर में एक्सीलेंस लेवल होंगे। इंडस्ट्री की तरह शिक्षण संस्थानों का लेवल वर्गीकरण करने वाला भारत पहला देश होगा। बदलावों के सत्यापन के बाद दोस्तों मिलेंगे लेवल। बात करें यहाँ पर नैक यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल की कार्यकारी परिषद के चेयरमैन और नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल यहाँ पर है बुद्धे निजी ने बताया कि लेवल ऑफ एक्सीलेंस 1, 2, 3, 4 नेशनल जबकि लेवल 5 इंटरनेशनल दोस्तों होगा। किसी संस्थान को यह अपने आप नहीं मिल जाएगा, एक कमेटी हर लेवल के मानक तय करेगी। उन्हें पूरा करने पर संस्थान केवल 1, 2, 3 का होगा। इन मानकों में पेटेंट, रिसर्च पब्लिकेशन, इनोवेशन, प्लेसमेंट, समाज पर असर आदि बातें शामिल हैं। इन्हें पूरा करने पर कोई संस्थान आवेदन करने का भागीदार बनेगा। आवेदन के बाद दावों का सत्यापन होगा, तब उचित लेवल हासिल होंगे। मौजूदा 7 ग्रेड अभी फिलहाल यहाँ पे 7 ग्रेड वाला सिस्टम दोस्तों चल रहा है, जो कि सिस्टम यहाँ पे अब खत्म हो जाएगा। बात करें यहाँ पर बाइनरी सिस्टम लागू होते ही मौजूदा 7 ग्रेड वाला A++, A+, A+, B+++, B, B और C ग्रेड वाला जो सिस्टम खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे कॉलेज के पास लिखा जाता है B+ ग्रेड C+ आखिर ग्रेड था क्या दोस्तों। ये बात करें 7 ग्रेड फिलहाल दिया जाता था UGC के तरफ से। यहाँ पर ये सब भी नया ग्रेडिंग था कि कैसा कैसा ग्रेडिंग मिला है उनके फैसिलिटीज के आधार पर, जो भी फैसिलिटीज देते थे कॉलेज छात्रों को इन सभी के आधार पर उनको ग्रेडिंग दिया जाता था 3.254। आप ये सभी सुना होगा देखा होगा अभी भी। अब ये सब खत्म हो जाएगा सिस्टम। हालांकि लेवल सिस्टम की परिभाषा तय करने में 5 से 6 महीने लगने की संभावना है और दिसंबर से संस्थानों की परिपक्वता के आधार पर लेवल ऑफ एक्सीलेंस हासिल करने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत बड़े अपडेट, वीडियो को लाइक करें और इस तरह के एजुकेशन रिस्पॉन्स के चैनल से बने रहें।